ओके बेटा चलो देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 24, ठीक है। मैंने ऐसे लिख लिया वेरिएबल एक्स, लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस 13, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड इज इक्वल टू 24, ये हमारी होती है राइट हैंड साइड। ओके अब हमें पता है ट्रायल एंड एरर मेथड में हम जो वेरिएबल होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है वो ही उसका सोल्यूशन होती है। मैंने पुट किया एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 13 कितना है 14, 1 प्लस 13 ये कहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज पुट करनी है। ओके नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 13 15 आया, 24 अभी भी नहीं आया। देखो फिर मैंने ऐसे 8 तक पुट की हुई, 8 प्लस 13 इज इक्वल टू 21, 24 के आसपास आने वाला, इट मीन्स अब हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें मिलने वाला है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 9, देन 9 प्लस 13 22, नाउ 10 प्लस 13 23, ओके नाउ पुट 11 प्लस 13 24, नाउ टेल मी कौन सा हुआ सोल्यूशन इन सभी में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से सोल्यूशन कौन सा हुआ 11, है ना, क्योंकि 11 प्लस 13 आ गई हमारे पास 24 और यही वैल्यू हमारी इसको सेटिस्फाइड कर रही है। सो फाइनल आंसर कौन सा हुआ इसका आपके पास, कौन सा हुआ बताइए, 11, ठीक है। नाउ बी पार्ट, जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 20, बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे देखो प्लस वाला था और यहाँ पे कौन सा है माइनस वाला, ठीक है। तो वेरिएबल कौन सा है जेड, एक्स नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज जेड माइनस 4 एंड राइट हैंड साइड इज 20, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा z इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24। अब देखो हमने थोड़ा सा ना अपने माइंड से कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमने आइडिया ऐसे लगाना है कि z माइनस 4 कि इसी नंबर में से हम 4 माइनस करेंगे तभी हमारे पास 20 आएगा। अब अगर मैं z की वैल्यू 1, 2, 3 से स्टार्ट करती हूँ तो 1 माइनस 4 तो माइनस 3 होता है, इट मीन्स हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके चलेंगे क्योंकि ये ट्रायल एंड मेथड है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमने फर्स्ट से स्टार्ट करना है वेरिएबल की वैल्यू 1 ही पुट करनी है 2 ही पुट करनी है, हमने जस्ट सोचना है कि किस नंबर को फिल करने से हमारे पास आंसर आ जाता है। मैंने लिया 6, फिर लिया 12, 18, 24, मीन्स कि मैंने कौन सा टेबल ले रही हूँ 6 का, क्योंकि मुझे पता है कि इतना छोटा नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी तो हमारे पास आंसर इतनी जल्दी नहीं आएगा। सो पुट सेट इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 4 2, 20 नहीं आया, देन 12, 12 माइनस 4 8 आया राइट हैंड साइड, 20 है नहीं आया सेम, देन 18 माइनस 4 14 आया, 20 अभी भी नहीं आया हमारे पास, देन z इज इक्वल टू 24 माइनस 4 20, तो इधर भी 20, तो कौन सा सोल्यूशन हुआ इसका, z इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर c और d ये आपने खुद करने हैं, c में है k बाय 6 इज इक्वल टू 8, k बाय 6 का मतलब क्या है कि k को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है 2n इज इक्वल टू 18, d पार्ट, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, मुझे पता है आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट कर लेना। ओके देन बाय बेटा, टेक केयर।